उज्जैन के बड़नगर रोड पर सबसे प्राचीन हनुमान जी मंदिर उजड़ खेड़ा पर प्रतिवर्ष होता है हनुमान जी महाराज की हनुमान अष्टमी पर महाप्रसादी भंडारे का आयोजन, जहां पर पहुंचते हैं श्रद्धालु यहां पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हनुमान अष्टमी पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए। पर इस बार मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों के लिए प्रसाद पैकिंग किया गया है और उन्हें इसी तरीके से भंडारे के प्रसादी का वितरण किया जाएगा, जिससे वह घर पर परिवार के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सके। साथ ही अखंड रामायण यज्ञ और आरती भी संपन्न हुई, जहां भक्त और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और यहां पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। बताइए क्या नाम है आपका? धर्मराज यादव। कहां रहते हैं आप? मैं सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर, तहसील लटेरी, जिला विदिशा। विदिशा जिले में? बताइए वहाँ से कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर कैसा लगता है और क्या रहता है? यहाँ पर श्री सद्गुरु सेवा परम पूज्य श्री रणछोड़ दास महाराज की तपोस्थली है, जो कई जगह धार्मिक कार्य होता रहता है और उनके अन्य क्षेत्र चलते रहते हैं, जो गरीबों की भी सहायता और मदद होती रहती है। मैं विगत 25 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ और मेरा परिवार भी समर्पित है और हमारे गुरु भाई बहनें राजकोट, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र से यहाँ आते हैं। अच्छा, आनंदपुर में कौन कौन सी सेवाएं चलती हैं आनंदपुर में, और दूसरी जगह कौन कौन सी सेवाएं चलती हैं गुरु जी की? आनंदपुर में नेत्र यज्ञ चलता है और कथा का आयोजन किया जाता है। क्षेत्र में गरीबों के वस्त्र, इलाज और शिक्षा का आदि का कार्य चलाया जाता है और हमारे चित्रकूट में भी यही महाराज जी का जो उन्होंने शुरू से संकल्प लिया था वो निरंतर चल रहा है। सब उन्हीं के आशीर्वाद से जो चल रहा है वो सब उनकी देन है और आज भी चल रहा है। और कितने वर्षों से इस मंदिर पर आ रहे हैं? ये हम लोग इंदौर से हैं और ये काफी सालों से मंदिर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि है, रवि पटेल। अच्छा। और मंदिर का क्या नाम है? मंदिर का नाम उजड़खेड़ा हनुमान जी मंदिर। अच्छा। और ये काफी सालों से श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की थी काफी समय पहले, और आज हनुमान अष्टमी के दिन इस मंदिर में भंडारे का आयोजन है, पूजा पाठ है, लेकिन कोविड को देखते हुए उसके मद्देनजर भंडारे का आयोजन बिल्कुल साफ सफाई सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे भक्तों द्वारा आप अपना जो भंडारे का जो प्रसाद है उसके पैकेट बनाए गए हैं, जो जो भी भक्त आए वो पैकेट हम ले उनको दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।